तो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिप्टो विद कुमार। आज हम बात करने वाले एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो आपको 98% तक की एक्यूरेसी देती है, और उस स्ट्रेटजी से आप पर डे का 10% तक आराम से अर्न कर सकते हैं, लॉन्ग से और शॉर्ट से फ्यूचर ट्रेडिंग। और ये आप क्रिप्टो में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और इस ट्रेडिंग की एक्यूरेसी रहेगी लगभग 98%, और इसमें हम जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे वो टोटली फ्री हैं। थ्री इंडिकेटर का हम इसमें यूज़ करेंगे, और चलिए मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन पे हमें उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो सबसे पहले हमें हमारी ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट को ओपन करना है। हमें चार्ट पे आ जाना है। तो अभी कोई इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैंने सभी इंडिकेटर्स को हटा दिया था। चलिए बताता हूँ मैं आपको कैसे अब इस पे हम इंडिकेटर्स लगाएंगे। टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया था, आपको टाइम फ्रेम रखना है 1 आवर का, और कैंडलस्टिक चार्ट ही रखना है हमें। और चलिए मैं दिखाता हूँ इसकी एक्यूरेसी को। सबसे पहले जो हमें हमारा इंडिकेटर निकालना है वो निकालना है ट्रेंड इंडिकेटर वर्जन 2। देखिए ये वाला जो इंडिकेटर है, इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेंड इंडिकेटर ए वर्जन 2 हैकिंग DZIWNE, इसका है ये। इसको सबसे पहले हम लगा लेते हैं। ये इंडिकेटर आ चुका है हमारा। ये एज इट इज़ नहीं रहेगा, हम इसमें मैन्युअली कुछ सेटिंग करेंगे। इसमें एमए पीरियड जो रहेगा वो रहेगा 52। और स्मूथिंग, एमए पीरियड स्मूथिंग रहेगा हमारा 10। देखिए आ गया है इस तरीके से। ये हमें सिग्नल देता है, जैसे अभी यहाँ से ग्रीन है और यहाँ से रेड है। तो मैं आपको बताऊँगा आगे कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे हम समझे कि ये किस तरीके से काम करता है। मैं भी ये वॉल्यूम इंडिकेटर है, इस पर इम्प्लीमेंट हो रखा है, मैं उसको हटा देता हूँ। सेकेंड इंडिकेटर जो हमारा रहेगा वो रहेगा QQE मोड MIKHAEL 00, ये वाला इंडिकेटर हमें यूज़ करना है। और इसको, ये भी आ चुका है। ये भी हमें एज इट इज़ नहीं रखना, इसमें भी कुछ सेटिंग मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। इसमें स्टाइल में जाना है और QQE लाइन को रिमूव कर देना है। देख सकते हैं QQE लाइन रिमूव हो चुकी है। सेकेंड इंडिकेटर भी हमारा आ चुका है। चलिए मैं बताता हूँ हम लास्ट इंडिकेटर कौन सा यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे सुपर ट्रेंड, और सुपर ट्रेंड भी आपको काफ़ी सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे, लेकिन हमें जो यूज़ करना है वो कीवैंक OZBILGIC, इसका यूज़ करना है। इसको भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसको भी हमें एज इट इज़ नहीं रखना, इसमें भी छोटी मोटी सेटिंग हमें करनी पड़ेगी। इसमें इनपुट में जाएंगे, और जो हमारा ATR पीरियड है उसको करना पड़ेगा हमें 9, और ATR मल्टीप्लायर है उसको करना पड़ेगा हमें 3.9। देख लीजिए आप, और ये हमने तीनों इंडिकेटर्स को इम्प्लीमेंट कर लिया। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब भी ये बाय का सिग्नल देता है हमें ये भी देखना होता है, जहाँ जिस कैंडल पे इसने बाय का सिग्नल जो दिया है, इस कैंडल पे जैसे इसने दिया है, नीचे जो हमारा QQE मोड, यहाँ पे अगर ब्लू सिग्नल्स बनते हैं और यहाँ पे ट्रेंड इंडिकेटर में भी ग्रीन लाइन बनती है, तो हम इसको एक जेन्युइन सिग्नल मानेंगे। और बहुत सारे सिग्नल में ये वर्क नहीं करता। हमें एक सिग्नल से नहीं सोच के चलना चाहिए, हमें तीनों को एक साथ यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ये बाय का सिग्नल देता है, हमें यहाँ भी देखना पड़ता है कि ये ब्लू
ब्लू बन रही है या नहीं बन रही, और यहाँ से एक ग्रीन चालू हो चुका है कि नहीं ट्रेंड इंडिकेटर। सो अभी हमें कैसे इसको पता चलेगा कि कहाँ तक जाएगा, जैसे इसने हमारे यहाँ पे एक बाई का सिग्नल दिया, हम यहाँ भी देख सकते हैं। सो इसको हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन उठा लेते हैं, और जैसा मैंने बताया ये हमने लॉन्ग पोजीशन उठाया और इसने इस कैंडल पे हमें बाय का सिग्नल दिया। सो अभी इसको हम इस कैंडल की क्लोजिंग पे रखते हैं, और इसको हम जस्ट हमारा जो ट्रेंड इंडिकेटर उसके जस्ट नीचे। सो अभी रिस्क रिवर्ड रेशियो 1:11 है, सो हमें इसको करना पड़ेगा 1:2। ये देख लीजिए, ये जस्ट यहाँ से रिजेक्ट हो गया और इसमें हमारा 1.88% तक का प्रॉफिट निकल गया। सो अगर आप इसे लॉन्ग हाई लीवरेज के साथ निकालेंगे तो आप 20 से 25% तक का आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो ये बात हो गई लॉन्ग की। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम शॉर्ट को कैसे कंफर्म करेंगे। सो शॉर्ट को कंफर्म करने के लिए हम यहाँ से उठाएंगे शॉर्ट पोजीशन। सो इसने जैसे यहाँ इस वाली कैंडल पे दिया शॉर्ट। सो मैंने ये आपको बता दिया है कि हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है हमारा 1:2। सो जैसे इसने इस वाली कैंडल पे हमें सेल का सिग्नल दिया, सो इसको हम जस्ट अभी रखेंगे हमारा जो ट्रेंड इंडिकेटर है उसको जस्ट ऊपर। ये देखिए, इसको मैंने जस्ट ऊपर रख दिया है, और ये नीचे वाला हम रखेंगे जस्ट अभी दिखा रहा है 0.3 रेशो। सो अभी हम इसको बढ़ाएंगे और ये देखिए, इसको यहाँ तक कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, लेकिन इससे आप एक एग्जैक्ट अमाउंट में अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने प्रॉफिट लगभग 2.26%, अगर आप इसको हाई लिवरेज के साथ करेंगे तो और भी बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। सो अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए आगे ऐसी ही स्ट्रेटेजी लाता रहूँगा। और अगर आपको स्ट्रेटेजी सही में अच्छी लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।